इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सिग्नी का इन्वर्टरलेस सोलर कंट्रोलर है, इसमें अगर रीसेट हो गया तो उससे कैसे बाहर आना है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये कंट्रोलर रीसेट में क्यों जाता है या कैसे, किस कारण के वजह से जाता है। तो सबसे पहली बात, इसके जो लोड जो कनेक्टेड रहते हैं, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया या फैन हो गया, उसमें कुछ भी तरीके का फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ वायर खराब हो जाती है, फैन जाम हो जाता है, तो ये खुद को सेव करने के लिए रीसेट मोड में चला जाता है। तो जब भी रीसेट मोड में चला जाता है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 5 LEDs है वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये समझ लेने का कि आपकी सिस्टम सेफ मोड में चली गई है, रीसेट मोड में चली गई है। अभी उससे बाहर आने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके पहले अभी आपको रीसेट मोड से बाहर लाना है तो ये जो स्विच रहेंगे उनको ऑफ करना है। उसके बाद आपको एक नंबर दबाना है, ये कीपैड के ऊपर नंबर दबाना है *123#। तो ये आप जब जैसे ही ये नंबर दबाओगे, सिस्टम खुद को रीसेट मोड से बाहर आने के लिए हर एक चीज एक एक करके चेक करके एक मिनट लेगी इस पूरी प्रोसेस को ऑन होने के लिए। और उसके बाद दो जोर से बीप बजेंगे और आपका सिस्टम रीसेट से बाहर आ जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं कि इसको रीसेट से बाहर आने के लिए आ गया। तो अभी आप देख रहे होंगे, तो ये जैसे ही दो बीप बंद आ जाता है आपका कंट्रोलर रीसेट से बाहर आ गया समझ लेना। और ये जो बीच की लाइट है ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जैसे ये स्थिति आ जाए, हमें ये अपने लोड के स्विच ऑन करके आपका लोड ऑन हो जाएगा। तो धन्यवाद।